पहले बड़ी खबर बरेली से तौकीर रज़ा से जुड़ी बड़ी खबर है। मौलाना तौकीर रज़ा सुरक्षा में लगे दोनों गनर को चकमा देकर फरार हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तौकीर रज़ा को तलाश करने सीओ के नेतृत्व में एक टीम दिल्ली में गई है। कोर्ट ने तौकीर रज़ा को गिरफ्तार कर आज पेश करने का आदेश दिया है। आज तौकीर को भगोड़ा घोषित कर सकता है कोर्ट। तौकीर के खिलाफ जारी हो सकता है लुकआउट नोटिस। 2010 में हुए दंगे के मास्टरमाइंड से जुड़ा मामला है। तौकीर रज़ा पर मास्टरमाइंड दंगे का होने का आरोप है। चितरंजन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चितरंजन, क्या जानकारी? गिरफ्तारी के लिए पहुंची हुई है, मगर उसके सुरक्षा में जो दो सिपाही लगे हुए थे उनको चकमा देके तौकीर रज़ा फरार हो गया है। आपको बता दें कि तौकीर रज़ा जो है 2010 में जो दंगे हुए थे बरेली में, उसका मास्टरमाइंड फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने माना था। इसी को लेकर कोर्ट ने आज पेशी होनी है और देखने वाली बात होगी कि तौकीर रज़ा कोर्ट में पेश होता है या नहीं होता है। बहरहाल तौकीर रज़ा अभी फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और दिल्ली में कैंसर की नकली दवा के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 2 एक नामी कैंसर अस्पताल के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। मोती नगर में पैकिंग यूनिट थी जहां से ये सप्लाई हो रही थी। इन लोगों के पास से कई देशी 7 विदेशी कंपनियों की दवा बरामद हुई है। बरामद दवा की कीमत 4 करोड़ रुपए है। इसमें $19,000 और $89,50,000 कैश भी रिकवर हुआ है। खास बात यह है कि जो लोग नामी कंपनियों की दवा की शीशी 5,000 रुपए में खरीद कर 100 रुपए की नकली दवा ये भरते थे, इसके बाद इस दवा को 1 से 3 लाख रुपए में बेच दिया करते थे। कैंसर की नकली दवा ये लोग बनाते थे जिसका भंडाफोड़ हुआ है। चल रहा है, उनका स्टाफ अभी 2 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन में सारे एस्पेक्ट्स को किया जाएगा। एक चेन इसकी हमारी बिहार तक सप्लाई चेन पहुंची है, तो वहां भी हमारी टीम गई हुई है और वहां भी कुछ समय बाद हम लोगों को पता चलेगा कि कहां गई है, कैसे हुआ है। इनपुट आई थी कि इस तरह से कोई ये कैंसर की मेडिसिन है जो कि कीमो में यूज़ होती है इंजेक्शन, उसको वो नकली इंजेक्शन से भर के ऐसे मार्केट में बेच रहे हैं। उसको काफ़ी शिद्दत से फिर उन्होंने ट्रैक किया कौन कौन लोग हो सकते हैं इसमें इन्वॉल्व, कहाँ से बना सकते हैं, क्या है। तो उसको कम से कम 1.5 महीना जब हमने पूरा फॉलोअप करके उसकी इनपुट डेवलप की, फिर हमने बिना समय गवाए 4 लोकेशन जो इमिडिएटली आई थी उन सब पे हमने रेड की और फिर ये कैंसर दवाई जो भरने वाली फैक्ट्री थी वो बस्ट हुई और बनी हुई दवाइयां, खाली शीशियां और कैश बरामद हुआ और 7 लोग गिरफ्तार किए गए। और बड़ी खबर, योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। जनवरी 2024 से डीए की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। राज्य के करीब 10 लाख राज्य कर्मियों और 8 लाख शिक्षकों को इसका सीधा फायदा होगा। यूपी के 12 लाख पेंशनधारियों को इससे सीधा फायदा होने वाला है। डीए में 4% की बढ़ोतरी, तौर पर फायदा होगा। एक बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से राज्य कर्मचारियों को मानी जा रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव, फरुखाबाद और बरेली के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी करोड़ों की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे सीएम उन्नाव पहुंचेंगे, जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय फतेहपुर 84 के चंद्रिका खेड़ा में शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं फरुखाबाद दौरे के दौरान जिले के क्रिश्चियन ग्राउंड में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे।
इसके बाद सीएम योगी बरेली दौरे पर पहुंचेंगे, जहां महादेव सेतु समेत करोड़ों रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आज आ सकती है, बीजेपी की दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। पहली लिस्ट में 195 प्रत्याशियों का नाम था और आज दूसरी लिस्ट आ सकती है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की। बीजेपी आने वाले चुनावों के लिए आज से पूरी तैयारी करती हुई और आज दूसरी लिस्ट बीजेपी की आ सकती है। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, तो आज भी कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। और दिल्ली से खबर आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले आज मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये बैठक पीएम मोदी के निवास सातलोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 12 बजे होगी और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ये मोदी कैबिनेट की आखिरी मीटिंग होगी। पीएम मोदी मौजूदा कार्यकाल के आखिरी कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पीएम मोदी अपने कैबिनेट के सहयोगियों का आभार और धन्यवाद भी जता सकते हैं, साथ ही आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी देंगे। और सुल्तानपुर से बड़ी खबर, राहुल गांधी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मानहानि के मामले में लंच के बाद सुनवाई होगी। करीब 5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान दिया था। बयान से आहत बीजेपी नेता विजय मिश्र ने दर्ज कराया था केस और जमानत पर चल रहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। लंच के बाद इन पर आज सुनवाई होने वाली है, बड़ी खबर इस वक्त की। और मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के जमीन विवाद मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। ये सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में होगी। अदालत इस मामले में अभी याचिकाओं की पोषणीयता पर सुनवाई कर रही है और आज की सुनवाई में भी सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की तस्नीम अहमदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बहस को आगे बढ़ाएंगी। मुस्लिम पक्ष की बहस खत्म होने के बाद अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा। उम्मीद है कि कल की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो जाएगी। दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में होगी इस पूरे मामले की सुनवाई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाहीद का विवाद क्या है, हिंदू पक्ष का दावा क्या है, मुस्लिम पक्ष का दावा क्या है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो हिंदू पक्ष की तरफ से वैज्ञानिक सर्वे के बाद सच निकलेगा ये कहा जा रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार को फिर से पाकिस्तान से धमकी मिली है। मुख्य पक्षकार आशुतोष पांडे के मुताबिक हाईकोर्ट जाते वक्त एक अनजान नंबर से कॉल करके जान से मार देने की धमकी दी गई उनको और साथ ही हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द भी कहे गए। बता दें कि शाही ईदगाह और जन्मभूमि मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले में सुनवाई होगी और ये मामला कोर्ट में लंबित भी है, लेकिन इन सबके बीच जान से मार देने की धमकी मिली है। कॉलर ने देवी देवताओं को भी गाली दी है। जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट को तत्काल प्रभाव से 5 साल के लिए गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत JKNF के खिलाफ ये कदम उठाया है। केंद्र सरकार की ओर से इसे लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार आतंकवादी की ताकतों को खाट फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। और